alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So in today's video, we are going to discuss the topic of duties of principal under section two twenty two to two twenty five of Contract Act eighteen seventy two. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion duties of principal last video mein humne discuss ki thi agent ki duties jo ki principal ka right tha aaj ki video mein hum discuss karenge principal ki duties aur law ke according ek bande ki duty dusre ka right है. so duties of principal is the right of agent so starting with section 222 सेक्शन 222 बेसिकली डील करता है एजेंट टू बी इंडेमिफाइड अगेंस्ट लॉफुल एक्ट्स ये सेक्शन का अगर आप टाइटल देखें तो इसमें क्या बात की गई है एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड यानी के एजेंट को इंडेम्निफाई किया जाएगा अब सोचने वाली बात यह है यह जो वर्ड indemnified है इसका क्या मतलब है सो so अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें हर किस्म के लॉस से बचाऊंगा और केस अगर कोई लॉस हो जाता है तो पहला बंदा दूसरे को कंपनसेट करेगा सो सिंपली इंडेमनिफाइड का क्या मतलब है इंडेमनिफाइड सिंपली मीन्स टू कंपनसेट the द incurred by any एक्सीडेंट के दूसरे बंदे को नुकसान से बचाने के लिए उसको कंपनसेशन देना मुआवजा किस चीज के लिए कि अगर कोई लॉफुल एक्ट कोई एजेंट परफॉर्म करता है तो उसके नतीजे में उस एजेंट को इंडेमनीफाई किया जाएगा ये सेक्शन 222 कहता है अब इसकी बेरट लैंग्वेज को अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि एक प्रिंसिपल बाउंड है कि वो अपने एजेंट को इंडेम्निफाई करेगा किस चीज के लिए इंडेम्निफाई करेगा जब उसका एजेंट कोई भी लॉफुल एक्ट परफॉर्म कर रहा है सो so, अगर कोई एजेंट लॉफुल एक्ट परफॉर्म कर रहा है एजेंट कौन है द वन हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सो अगर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी भी किस्म का कोई भी लॉफुल एक्ट परफॉर्म करते हुए एजेंट को किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान को कंपनसेट कौन करेगा उस नुकसान को कंपनसेट उसका प्रिंसिपल करेगा जिसने उसको एम्प्लॉय किया है अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी ए क्या है प्रिंसिपल है और बी कौन है एजेंट है प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया किस लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि तुम मेरे लिए हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन तुम खरीदोगे यानी उसने कह दिया कि तुम अब मेरे लिए ये गुड्स खरीदोगे बी क्या करता है सी एक थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन खरीदने के लिए उसने थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए ने क्या कर दिया रिफ्यूज कर दिया ए ने कहा कि मुझे अब ये गुड्स नहीं चाहिए तो अब चूंकि बी और सी का तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था लिहाजा ये सी जो है वो क्या करता है बी को सू कर देता है उसके खिलाफ केस फाइल कर देता है अब ये जो बी को सू किया गया है बी इसके मुतालिक अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करता है और इस केस के दौरान अब जितना भी खर्चा होगा जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे इस केस को डील करने में वो तमाम एक्सपेंसेस कौन पूरे करेगा वो तमाम लॉस पूरा करेगा हमारा प्रिंसिपल एज पर सेक्शन 222 के प्रिंसिपल अपने एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा क्योंकि वो लॉफुल एक्ट परफॉर्म कर रहा था उसके बाद आता है सेक्शन 223 सेक्शन 223 क्या कहता है एजेंट टू बी इंडेमिफाइड अगेंस्ट द गुड डेथ अब इसमें क्या बात की गई है एक नया वर्ड है गुड फेथ मींस विथ गुड इंटेंशन अब सेक्शन 223 क्या कहता है कि जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को इम्प्लॉय करता है उसको अपॉइंट करता है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए और वो एजेंट क्या करता है वो एजेंट उस एक्ट को गुड फेथ में करता है यानी कि अपनी अच्छी नीयत के साथ अपनी फुल डिवोशन के साथ वो इस एक्ट को परफॉर्म कर रहा है फुल केयर के साथ कि उसके प्रिंसिपल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो मींस उसकी इंटेंशन क्या है उसकी गुड इंटेंशन है अच्छी नीयत है अब वो जब अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा है तो अब यहाँ प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एजेंट को इंडेम्निफाय करेगा उन तमाम लॉस के अगेंस्ट जो कि इस एक्ट को परफॉर्म करते हुए एजेंट को हुआ है या फिर अगर उसका ये एक्ट राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन को इंजरी कॉज कर रहे हैं अगर वो कोई गुड फेथ में काम कर रहा है गुड फेथ में काम करते हुए अगर थर्ड पर्सन के राइट right इंजर हो रहे हैं तो उस चीज की इंजरी की कम्पनसेशन कौन देगा उस इंजरी की कंपनसेशन हमारा प्रिंसिपल देगा अब ये राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन की इंजरी से क्या मुराद है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी वही ए हमारा प्रिंसिपल हो गया बी हमारा एजेंट हो गया अब इस केस में ए ने बी को क्या कहा है कि तुम तो मेरी कुछ गुड्स सेल करो उसको सेल करने के लिए कुछ गुड्स दे दी अब ये जो गुड्स है ए इज नॉट द रियल ऑनर ऑफ दैट गुड्स ए इन गुड्स का असल मालिक नहीं है और बी क्या है बी इस हकीकत से अन अवेयर है किस हकीकत से कि उसे ये नहीं पता कि इन गुड्स का मालिक ए है या क्या करता है वो कहता है ठीक है मैं इन गुड्स को सेल करूंगा अब एक तीसरा बंदा आता है सी सी कौन है जो कि थर्ड पर्सन गुड्स का असल मालिक है रियल ऑनर ऑफ दी गुड्स उसको जब ये पता चलता है तो वो क्या करता है बी को सू कर देता है बी के खिलाफ केस फाइल कर देता है और साथ ही साथ बी से इन गुड्स की पेमेंट भी रिकवर कर लेता है अब इस सिचुएशन में इस केस को डील करने में बी का जितना भी खर्च होगा जितना भी उसको नुकसान होगा वो नुकसान कौन कंपनसेट करेगा वो नुकसान कंपनसेट करेगा ए बिकॉज एजेंट तो गुड फेथ में ए के बिहाफ पर काम कर रहा था लिहाजा सारी लाइबिलिटी किस पर आती है सारी लाइबिलिटी आती है हमारे प्रिंसिपल के ऊपर जिसने एजेंट को अपॉइंट किया था नेक्स्ट आता है सेक्शन 224। सेक्शन 224 क्या कहता है नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट दैट मींस प्रिंसिपल नॉन लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल अगेंस्ट एनी क्रिमिनल एक्ट डन बाय एजेंट ऑन हिज बिहाफ अब इस केस में क्या बात की गई है ये सेक्शन डील करता है क्रिमिनल एक्ट की परफॉर्मेंस के लिए अब ये जो सेक्शन में क्रिमिनल एक्ट की बात की है क्रिमिनल एक्ट क्या है द वन विच इज अनलॉफुल एक्ट कोई भी ऐसा एक्ट जो लीगल नहीं है लॉ के अंदर अलाउड नहीं है सो so, ये सेक्शन क्या कहता है कि जब एक बंदा किसी दूसरे को अपॉइंट करता है यानी जब एक प्रिंसिपल किसी एजेंट को अपॉइंट करता है कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो कि क्रिमिनल है तो इस सिचुएशन में इस क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने के बाद जितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है यानी कि लायबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं आती चाहे उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल अपने एजेंट को उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इंडेमनीफाई नहीं करेगा द प्रिंसिपल विल नॉट बी लाइबल टू इंडेमनिफाई हिज एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट कैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जाम्पल इस केस में भी हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी ए इज द प्रिंसिपल एंड बी इज द एजेंट ए बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ए क्या करता है बी को कहता है कि तुम सी को जो कि एक थर्ड पर्सन है तुम इस सी की पिटाई करो ये कॉन्ट्रैक्ट उसे देता है कि तुमने सी को मारना है अब बी क्या करता है वो सी को मारना शुरू कर देता है इसकी पिटाई कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ इस प्रिंसिपल क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने उसे अपॉइंट किया था अब ये जो ये जो एक्ट है ये क्या है ये क्रिमिनल एक्ट है तो इस केस में क्या होता है सी ए को सॉरी बी को सू कर देता है यानी एजेंट को या फिर उससे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस मांगता है यानी जितना भी उसका खर्च हो रहा है वो किससे मांग रहा है वो बी से तो इस सिचुएशन में ए लायबल नहीं है बी को इंडेमनिफाई करने में क्यों क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एग्रीमेंट दो पार्टीज के दरमियान किसी क्रिमिनल एक्ट के ऊपर हो तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है क्योंकि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर ही अनलॉफुल है वो लीगल नहीं है कोई क्रिमिनल सब्जेक्ट मैटर है तो ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा उसके बाद आता है आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन जो के है सेक्शन 225 सेक्शन 225 डील करता है कंपनसेशन टू एन एजेंट फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल निगलेक्ट अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल की नेगलिजेंस की वजह से एजेंट को किसी किस्म की कोई इंजरी कॉज होती है तो उस सूरत में प्रिंसिपल उसको कंपनसेट करेगा सेक्शन 225 में सिंपली ये कहा गया है कि एक प्रिंसिपल जिसने अपने एजेंट को अपॉइंट किया है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए तो अगर उसके इस एक्ट को परफॉर्म करते हुए पर इन एजेंट को किसी भी किस्म की कोई इंजरी कॉज होती है तो उस इंजरी के लिए प्रिंसिपल अपने एजेंट को कंपनसेशन देगा प्रिंसिपल उस लॉस की भरपाई करेगा सिंपली क्या है एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अपॉइंट किया एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है अगर उसके बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म करते हुए एजेंट को किसी किस्म की कोई इंजरी होती है तो इस इंजरी के लिए प्रिंसिपल एजेंट को कंपनसेशन देगा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टीज हैं ए क्या करता है इम्प्लॉय करता है बी को कि वो उसके लिए एक हाउस बिल्ड करे अब बी जो है वो इस सिचुएशन में क्या है एक मिस्त्री है लेकिन उसको जो सेंटिंग है जिसको हम स्केफोल्डिंग कहते हैं उसको ये काम नहीं आता लेकिन ए क्या कर रहा है जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को यानी बी को कंपेल कर रहा है तो, कि तो, ये सेंटिंग करोगे। तो अब इस एक्ट को परफॉर्म करते हुए अगर बी को किसी किस्म की कोई इंजरी कॉज हो रही है तो उस इंजरी के लिए बी को कंपनसेट कौन करेगा हमारा प्रिंसिपल जिसने उसको कंपेल किया था ये काम करने के लिए So, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 222 से 225 जिसमें हमने ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल को डिस्कस किया आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल अल्लाहफेज